अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे बॉटनी के एमसीक्यू। सेकंड ईयर बॉटनी है, कौन से कॉलेज के करेंगे? नाजमाबाद कॉलेज फॉर मेन। इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू जो है वो हमारे पास है, सेल्स यूज टू मेक प्रोटीन। कौन से सेल्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं? तो आपने याद होना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आरएनए करवा रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड इनकी फुल फॉर्म होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और सारा प्रोसेस करवा के फिर आरएनए बनवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहे हैं सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सेल सॉल्यूशन इज सेड टू बी। तो जहां भी कंसंट्रेशन जो होगी वो लो होगी सॉल्यूशन की, उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक, और जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक। मुझे याद नहीं था कि यहाँ पे हाइपो था या हाइपर, पर आपने आंसर याद रखना है कि जब कंसंट्रेशन लो होगी एज कम्पेयर टू द सेल तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रल पोर्शन जो होता है स्टेम का, वो कंसिस्ट करता है जाइलम, फ्लोएम और स्टील पर। तो उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? अब यहाँ पे इन्होंने ना आंसर दे दिया, ये वही मॉडल पेपर वाला एमसीक्यू है, मिस प्रिंटिंग हुई भी है ये। इसका आंसर होगा स्टील, क्योंकि जो सेंट्रल पोर्शन होता है जाइलम फ्लोएम वगैरह को मिला के उसे हम कहते हैं स्टील, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल सॉइल, जो प्लांट ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लोम, ठीक है। ये आपने ये भी याद रखना है, ये भी पीछे से रिपीट हुए हैं आई गेस प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर में था ये एमसीक्यू। द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस ड्यू टू, डायमीटर में जब रूट और स्टेम इंक्रीज हो रहा होता है उनका ग्रोथ के दौरान तो उसको कौन सा मेरिस्टम कहते हैं? अब आपने याद होना चाहिए कि जब लेंथ में इंक्रीज हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, और जब नोड्स पे यानी कि ये स्टेम है और ये यहाँ पे नोड्स पे ग्रोथ हो रही होती है तो हम कहते हैं एंटेकैलरी, और जब डायमीटर में ग्रोथ हो रही होती है रूट या स्टेम की तो उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? लेटरल मेरिस्टम, ये बुक में भी लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टम की लाइन में कि डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इज इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में और प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपने याद होना चाहिए कि सिमिलर इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वो जो आपस में इंटरब्रीड कर सकेंगे वो सिर्फ एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें दी हुई है किसकी? स्पीशीज की। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इकोसिस्टम में लोटिक वाटर क्या होता है? अब ये लेंटिक और लोटिक वाटर होते क्या है? लेंटिक वाटर वो होता है जो कि स्टिल हो यानी कि रुका हुआ पानी हो, और लोटिक वाटर वो होता है जो कि फ्लो कर रहा हो, फ्लोइंग वाटर को हम लोटिक वाटर कहते हैं। तो ओशन स्वयं या पॉन्ड, पॉन्ड और स्वयं पे तो हमारे पास बिल्कुल ही स्टिल वाटर होता है, बाकी ओशन की बात करें तो ना ही लेंटिक ना ही लोटिक, कभी कहीं पर वो स्टिल होता है और कहीं पर जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो जो रिवर होता है वो कंटिन्यूसली फ्लोइंग वाटर होता है, तो इस वजह से हम लोटिक वाटर में क्या लगाएंगे? रिवर। दिस वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें कौन सी वाली रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल है? तो आपको यहाँ पे सिंपली ये मिल जाएगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग्स में, एक सब हेडिंग जिसे हम कहते हैं एनाइसोगैमी, जिसमें स्ट्रक्चरली यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट जो है गैमेट्स एक दूसरे से कंबाइन करके फिर आगे रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये सेक्शुअल प्रोसेस है, बाकी सारे एसेक्शुअल हैं। द गैमीट ऑफ वाई वाई आर आर विल बी, तो इसका हम क्रॉस छोटा सा बना के देख लेते हैं यहाँ पे कि वाई वाई आर आर, तो ये वाई आर हो गया, ये इसके साथ वाई आर हो गया, ये इसके साथ मिलके वाई आर बनाएगा और ये इसके साथ मिलके वाई आर बनाएगा। तो हमारे सारे गैमेट्स किसके बन रहे हैं? वाई आर। तो हमारा आंसर क्या होगा? वाई आर। उसके बाद हमारे पास है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो किस ईयर में प्रपोज किया गया था? तो आपने याद रखना है 1953 में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट, तो ये आपने याद रखना है ये 20.95 होती है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट, अब स्टडी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उनके एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसका, ये हम पढ़ते हैं किस में? ये होता है इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम हमने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि लिविंग सिस्टम और उनके साथ रिएक्ट करने वाला दूसरे लिविंग सिस्टम या एनवायरमेंट उनका, उसको हम कहते हैं मिला के इकोसिस्टम, और उनके बारे में
है पढ़ने को हम कहते हैं इकोलॉजी। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि ह्यूमन गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आपको पता है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस का जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो होता है थ्रू मेयोसिस, वो मेयोसिस के थ्रू होता है। और मेयोसिस में क्या होता है कि सेल क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिवाइड वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाते हैं, यानी कि जो गैमेट्स बन रहे होते हैं डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। नॉर्मली हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, लेकिन जब वो हाफ हो जाएंगे तो कितने जाएंगे 23। तो सिंपली हमारा जो ह्यूमन गैमेट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23। डेंडेलियन प्लांट्स कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए। ये एपॉक्सिमिस शो करते हैं, एपॉक्सिमिस की हेडिंग में डेंडेलियन प्लांट्स की एग्जांपल्स मौजूद है। प्लांट्स हैविंग स्टैमिनेट फ्लावर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग, जिन जो स्टैमिनेट फ्लावर होते हैं वो क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टैमिनेट फ्लावर होते क्या है। असल में स्टैमिनेट फ्लावर वो होते हैं जिनके पास स्टैमिन मौजूद होता है, कार्पल मौजूद नहीं होता। नॉर्मली प्लांट्स के ऊपर स्टैमिन कार्पल यानी कि मेल फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं यानी कि उनमें एक वक्त में एक ही पार्ट मौजूद होता है, या मेल या फीमेल। तो मेल जो होता है हमारा स्टैमिन हो गया, फीमेल कार्पल हो गया यानी स्टैमिनेट है यानी सिर्फ स्टैमिन है। तो उनके पास जो है पार्थिनोकार्पी नहीं हो सकती, पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस जिसमें जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है एक फ्रूट बन जाता है विदाउट सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट बनने के लिए तो फीमेल पार्ट होना चाहिए ना, जब यहाँ फीमेल पार्ट ही नहीं है तो पार्थिनोकार्पी का फंक्शन भी परफॉर्म नहीं हो सकेगा। क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन में तो सिंपल है कि एक से दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा, यानी कि तो उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं होगी कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट मौजूद हों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पार्थिनोकार्पी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द एम्ब्रियो ऑफ ग्रास सीड इज इनक्लोज बाय एन शीट कंसिस्टिंग ऑफ क्लोरिया विच कवर्स। तो एम्ब्रियो जो होता है एपिक्स से यानी रूट के एपिक्स से जो निकल के आ रहा होता है वो शूट होता है, तो दैट्स व्हाई जो कवरिंग होगी वो शूट की होगी, इसलिए हमारा आंसर होगा शूट। ग्रुप ऑफ प्लांट टिश्यूज केपेबल ऑफ डिवीजन आर टर्म्ड एज, प्लांट्स के वो टिश्यूज जो डिवीजन की सलाहियत या डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टम। ठीक है, उसकी भी तीन टाइप्स होती हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एट व्हाट स्टेज माइटोसिस क्रोमोसोम्स आर अरेंज अलोंग प्लेन एट द मिड लाइन। तो वो स्टेज जिसपे क्रोमोसोम्स जो है मिड लाइन पे आके अरेंज हो चुके होते हैं उसे हम कहते हैं मेटाफेस। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रोफेस, फिर मेटाफेस आता है। तो मेटाफेस जो है उसमें ये वाला काम हो रहा होता है या हो चुका होता है। इन प्लांट द माइटोसिस इज, अब हमें याद रखना है जो एम्फीएस्ट्रल होता है वो एनिमल में होता है और एन एस्ट्रल जो होता है वो होता है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स में जो है एस्टर फॉर्मेशन नहीं होती है। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है वो जीन होता है, आपने याद रखना है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। यहाँ पे जो हमारे नाजमाबाद कॉलेज फॉर मेन के MCQs कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।